पीछे से करने के लिए अपनी वाइफ को कैसे राजी करें, अपनी फीमेल पार्टनर को एनल सेक्स करने के लिए कैसे तैयार करें। देखिए, पीछे से करना किसी भी व्यक्ति की अपनी एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, लेकिन उसकी इस पसंद के होने से कुछ होने वाला नहीं है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर किसी पुरुष की एक चाहत है कि उसे पीछे से करना है तो वह अपना ही लिंग घुमाकर अपने पीछे डाल लेगा कि मुझे तो मजे लेने हैं। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि गूदा मैथुन हस्त मैथुन जितना आसान काम नहीं। इसके लिए तो आपको जिसके साथ करना है उसकी रजामंदी होना बहुत जरूरी है, उसको कंफर्ट जोन में लाना बहुत जरूरी है, वरना ये पॉसिबल नहीं। तो आज इसी इम्पॉसिबल काम को कैसे पॉसिबल बनाएं, इसी के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ। जानना चाहते तो वीडियो में बने रहिए। जो चीज आप खुद भी जानते हैं कि हाँ ये मेरी फीमेल पार्टनर के लिए थोड़ा सा अनकंफर्ट हो सकता है, ये आसान नहीं, तो उसे आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए मेंटली और फिजिकल लेवल पे काम करना होगा। उसे मेंटली और फिजिकली तैयार करना होगा इस चीज के लिए, ताकि वो इसे आसान लगे। साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां, कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना होगा, ताकि आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की चपेट में ना आ जाए। आप दोनों के लिए ही बोल रही हूँ। अब मेंटली और फिजिकली उसे प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, कहीं ना कहीं आप भी अपने मन के कोने में इस बात को जानते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर के लिए सुखदाय तो बिल्कुल नहीं होगा। आपकी क्या किसी भी महिला के लिए प्लेजरेबल तो नहीं होगा। कोई भी फीमेल पार्टनर अगर अपने मेल पार्टनर के लिए करेगी तो ये सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही करेगी। तो उसको तैयार करने से पहले सबसे पहले आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि उसे इस चीज के लिए राजी करने के लिए मुझे एक दिन भी लग सकता है, दो दिन भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, दो महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि शरीर उसका है, उसका कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, मेंटली और फिजिकली भी। किसी भी नई चीज को करने के लिए शरीर और दिमाग दोनों ही शुरुआत में तैयार नहीं होते। वर्जिन एनल टाइम लेती है, लेकिन इस टाइम के दौरान जब आप उसे तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन उसको दिखा सकते हैं कि देख, मैंने लुब्रिकेशन की व्यवस्था की हुई है, मैंने एनिमल आके रखा हुआ है, मेरी तरफ से पूरी ये कोशिश रहेगी कि तेरे को दिक्कत कम आए, परेशानी कम हो। धीरे धीरे वो मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगी, और एक बार अगर वो राजी हो जाए तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि वो राजी हो गई है तो आज ही आपको कर लेना है। आप थोड़ा संयम रखिए और प्रिपरेशन करनी शुरू कीजिए। किस चीज की प्रिपरेशन? उसे 7-8 घंटे पहले एनिमा दीजिए, ताकि वो पेट से बिल्कुल खाली हो जाए, और जब आप उसके साथ एनल सेक्स करें तो कोई वेस्टेज बाहर ना आए जो आपका मूड और माहौल दोनों ही खराब करे। लुब्रिकेशन का यूज जरूर करें और कंडोम जरूर पहने। लुब्रिकेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वहां पे नेचुरल तरीके से कोई चिकनाई अवेलेबल नहीं होती, कोई लिक्विड फ्लूड वहां से डिस्चार्ज नहीं होता। तो बेटर यही है कि आप बाहर से कोई लुब्रिकेशन यूज करें, ताकि जो घर्षण है वो स्मूथ हो सके, ताकि घर्षण जो है वो स्मूथ हो सके और पेनलेस हो सके। और कंडोम का यूज जरूर करें, ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा। इन दोनों के बिना, इन दो अरेंजमेंट के बिना एनल सेक्स भूल के भी मत कीजिए। अब देखो, हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल ना हो, और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में ही आप सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो निराश मत होइए। ये मत सोचिए कि यार नहीं हुआ ऐसे, इस तरह के आपको मुंह नहीं बनाने हैं। आपकी फीमेल पार्टनर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इसे तो अपनी अपनी पड़ी है, यहां मुझे कितना पेन हो रहा है उसके बारे में तो इसको सोच ही नहीं रहा है कुछ भी। आपका ऐसा रिएक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल परसों तरसों कभी भी कर लेना, उसका राजी होना सबसे ज्यादा जरूरी था। एटलीस्ट उसने आपको सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो कर रही है आज तो कल भी करेगी, लेकिन आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो जो बिल्कुल मना कर दे उसके डिसीजन का सम्मान करो, और जो राजी हो जाए, चाहे एक दिन में राजी हुई या एक महीने में, वो राजी तो हुई ना, आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, तो ये जानते हुए कि हाँ वो एनल सेक्स करती है आपके साथ, आप हर दूसरे दिन उसके ऊपर चढ़ाई मत करो। क्योंकि पीछे से देना किसी भी फीमेल के लिए आसान नहीं। अगर वो दे रही है और आप लेना चाहते हो लंबे टाइम तक, तो हिसाब से। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपनी फीमेल पार्टनर को पीछे से करने के लिए राजी कैसे करें, एनल सेक्स करने के लिए कैसे राजी करें। अब देखिए, इस वीडियो से जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, इससे कोई ये मतलब ना निकाले कि मैं एनल सेक्स को प्रमोट कर रही हूँ। क्योंकि मैंने आज तक 3 सालों में किसी भी ऐसे विषय पे बात नहीं करी है जो कि हमारे समाज में पहले से ही नहीं होती आ रही है, जो एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने तो इस वीडियो में कैसे इस चीज को आसान बनाया जा सकता है, आसान तरीके से किया जा सकता है, उसके बारे में बताया। और वो लोग जो कि अपने वाइफ के पीछे पड़े रहते हैं कर 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 और अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, उन्हें एग्री करना, रजामंदी उनसे लेना, कंसेंट लेना, इन चीजों के बारे में वो ढंग से उनको क्लैरिटी नहीं होती यार कैसे मनाएं, वो तरीका बताया है। कम से कम आपका रिश्ता तो खराब ना हो।
बाकी वो लोग जिन्हें नहीं करना, जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें मेरी वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नहीं करने वाले, यहां से स्ट्रांग है ना। और जो लोग करना चाहते हैं, शौकीन हैं, उन्हें मैं चाहे इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, वो करेंगे ही करेंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो में बीच का तरीका पकड़ा और आपको बीच का तरीका ही बताया। आफ्टर ऑल सेक्स जो है वो दो लोगों के बीच में होता है। अगर कोई वाइफ कट्टर विरोध कर दे नहीं करना मुझे, तो उसके पति कितना भी कर ले कुछ नहीं कर सकता, हो ना कर पाएगा, पीछे अपना घुसा कर नहीं डाल सकता पीछे, वो मजबूर है, नहीं कर पाएगा यार, उसकी रजामंदी जब तक नहीं होगी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई वाइफ सहयोग करना चाहती है और कैसे भी करके उसका जो हस्बैंड है उसे राजी कर लेता है, तो कम से कम उसे तरीके तो पता होने चाहिए कि हाँ इसे आरामदायक कैसे बनाया जा सकता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है।